अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी। और मैं लेके आई हूँ एक नई वीडियो आपके अपने चैनल पे एमरेट्स बर्ड्स पे। दिस इज़ मी राबिया। और जैसे कि आपको मालूम है कि मैं ट्रैवलिंग से रेलिवेंट और वीज़े से रेलिवेंट न्यू अपडेट्स आपको आपके लिए लेके आती हूँ और ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो इसी जो मेरे चैनल के हवाले से अक्सर लोग मुझसे जो है कमेंट्स बॉक्स में इंस्टा पे आके क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपका ऑफिस है लाहौर में या यूएई में, हम वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बट मेरा कोई ऑफिस नहीं है, ना ही मेरा किसी ऑफिस के साथ लिंक है, ना ही मैं कहीं जो है ट्रैवल एजेंसी में जॉब करती हूँ। मैं एक ट्रैवल एडवाइज़र हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है वो मैं अपनी ऑडियंस को देती हूँ, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसके लिए मैं खुद से पहले ट्राई करती हूँ, देन मुझे रिस्पॉन्स आता है तो मैं अपनी ऑडियंस को देती हूँ। हो सकता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन से उनको फ़ायदा हो। और जो है मेरे ब्लॉग बनाने का मकसद बेसिकली यही होता है कि मैं अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ जॉब से रेलिवेंट, ट्रैवलिंग से रेलिवेंट। और आज की भी जो बेसिकली वीडियो है इसी बारे में है, तो मैं छोटा सा हिंट दे देती हूँ ना कि हम जो वीडियो को स्टार्ट करें फिर हम डिटेल में बात करें। और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ये न्यूज़ कहाँ पे आती है। मैं अब इसलिए दिखाती हूँ, कुछ लोग जो हैं मिसगाइड करने वाले आके कि जी ये फेक है, बट वो लोग लाइफ में कुछ भी नहीं करेंगे और बाकियों को भी नहीं करने देंगे, जाहिर सी बात है। तो इसलिए मैंने कहा मैं जहाँ से मैं न्यूज़ देखती हूँ और मैं खुद करती हूँ तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी एज अ लॉयल होके मैं वो चीज़ शेयर करूँ ताकि हो सकता है उनको फ़ायदा। और वो लोग जो मिसगाइड करते हैं कि जी फेक होता है, ये होता है, वो होता है, तो उनका जो है ये हथकंडा ना चल सके और हम एक अच्छी जॉब ले लें, ठीक है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है सिंगापुर को लेके। सिंगापुर जैसे कि बाकी कंट्रीज़ अपने बहुत सारी पॉलिसीज़ वीज़े की चेंज कर रहे हैं, इस तरह सिंगापुर का भी एक न्यू वीज़ा आया है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कहाँ पे ये न्यूज़ आई है और इस वीज़े के लिए कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये बेसिकली डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि हम वीज़ा कैटेगरीज आपको बता रहे होते हैं कि ये कंट्रीज़ की ये अपडेट आई है, ये वीज़ा आया है। तो जाहिर सी बात है सिंगापुर जब आप अप्लाई करेंगे किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू करेंगे, और बाकी जो है आपको मेरे ख्याल से विजिट वीज़ा हो गया, ऑन अराइवल वीज़ा हो गया, इसके लिए कोशिश किया करें कि खुद से अप्लाई करें, क्योंकि बहुत ईजी होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्होंने भी वही करना होता है, आपने भी वही करना होता है। तो बेहतर है कि बिना कोई किसी पे रिलाई किए हुए आप अपना काम खुद करें, क्योंकि आपकी जो अमाउंट है वो रिफंडेबल नहीं होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस का और बात करते हैं डिटेल के साथ सिंगापुर का कौन सा वीज़ा आया है। वीज़े के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं सिंगापुर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि वीडियोस जो है वो लंबी ना हो और आप लोग स्किप करके नहीं जाएं। सिंगापुर मलेशिया के साथ लगने वाला एक जो है कंट्री है, बड़ी तेज़ी के साथ ये डेवलपमेंट सिंगापुर के अंदर हो रही है। एज अ टूरिस्ट जो है बहुत ही फेमस कंट्रीज़ है, स्पेशली हनीमून कपल्स के लिए ये एक बड़ा जो है आइडियल कंट्री माना जाता है। सिंगापुर में यूज़ होने वाली जो करेंसी का नाम सिंगापुर डॉलर है, और जो है वहाँ पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है ज़्यादातर वो मले यूज़ की जाती है। और मलेशिया हो गया या सिंगापुर हो गया, ये लोग ज़्यादातर तरजीह देते हैं कि ये अपनी लैंग्वेज में ही बात करें। और इन कंट्रीज़ में अगर आप लोग जाते हो तो आपको जो है जिस तरह से कि यूरोप में होता है कि लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज होती है, बट ये लोग जो है ज़्यादातर अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आपको इनकी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है। सिंगापुर जो है वो आईटी की फील्ड में बहुत जो है डेवलपमेंट कर रहा है, जो आईटी के लोग हैं उनको हायर कर रहा है, तो इसीलिए वही लोग जो स्किल्ड पर्सन है उनके लिए इस वीज़े में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वो लोग जो बिजनेसमैन हैं और वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये इस वीज़े में एक अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले जो है हम लोग पहले जाके देख लेते हैं, मैं आपको लिंक में पूरा रिव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या मेंशन है, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आती हूँ और फिर करते हैं हम नेक्स्ट बात। मैं वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे ये न्यूज़ आई हुई है। और इस वेबसाइट पे न्यूज़ कभी भी गलत नहीं होती है। ये है ऑल टू ऑल डिटेल मल्टीपल वीज़े के बारे में, 5 ईयर्स के सिंगापुर के वीज़े
के बारे में यहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, कंप्लीट डिटेल इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और दूसरा मैं एक वीडियो बनाएंगी कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है, उस वीडियो में बताऊंगी कि आपको इस वीज़े के लिए कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जी आपने लिंक देख लिया होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिन लोगों को वीडियोस में समझ नहीं आई तो वो लिंक ओपन करके डिटेल के साथ इस वीज़े के बारे में जान सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूँ अपनी वीडियो में कि इस लिंक के अंदर क्या बताया गया है। इस लिंक में ये बताया गया है कि ये जो वीज़ा है ये 5 साल का वीज़ा है और इस वीज़े के अंदर आप मल्टीपल इंट्रीज कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो किसी कंट्री में बिजनेस करना चाहते थे, उनको बार बार वीज़ा लेना पड़ता था, अब वो ये वीज़ा लेके मल्टीपल इंट्रीज कर सकते हैं। और हाँ, ये वीज़ा उन लोगों के लिए भी है कि जो कि आईटी के फील्ड में है और उनका जो है स्किल्ड बहुत हाई है और वो इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात वहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हैं अगर उनके पास ये वीज़ा होता है तो। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग जो सिंगापुर जाना चाहते हैं, वहाँ पे जॉब्स करना चाहते हैं और जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीज़ा जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो यकीनन आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हो सकता है कोई पॉइंट मैंने स्किप कर दिया, वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम जो है मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप मुझे अगर यूट्यूब का जो है रेफरेंस दोगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी, बट एंटरटेनमेंट वाले लोगों को मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं। ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।